अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा एक कंप्लीट टेक्सटाइल मिल का सिस्टम। इसमें हमारे पास सबसे पहले आता है मास्टर, जिसके अंदर मास्टर आते हैं चार्ट ऑफ काउंट लेवल 1, लेवल 2 और चार्ट ऑफ काउंट लेवल 3। उसके बाद हमारे पास आता है मास्टर कंपनी फॉर प्रोडक्ट, कैटेगरी फॉर प्रोडक्ट, आइटम प्रोफाइल और उसके बाद स्टोर प्रोफाइल। सबसे पहले हम आते हैं चार्ट ऑफ काउंट लेवल 1 के अंदर। यहाँ पर हमने व्यू किया तो हमारे पास यहाँ पर ग्रुपिंग बनी हुई है कि लॉन्ग टर्म लोन्स जो है हमारे 13 में बनेंगे, शेयर होल्डर 11 में बनेंगे, फिक्स एसेट 15 में, परचेज के 30 में बने हुए होंगे ऑलरेडी। सप्लायर पेएबल, वो पार्टीज जिनसे हम खरीदेंगे वो हैं पेएबल्स, तो वो बनेंगे 31 के अंदर। रिसीवेबल्स 35 के अंदर बनेंगे। आगे एरिया वाइज हम उन्हें डिवाइड कर सकते हैं। हर मेन ग्रुप के अंदर आगे 99 एरियाज बनते हैं। तो ये चार्ट ऑफ अकाउंट का 35 एक मेन एरिया है, 36 भी एक मेन एरिया है, 37 भी एक मेन एरिया है, सो ऑन हम 44 तक मेन एरियाज बना सकते हैं। एक्सपेंसेस हमारे बनेंगे 55 में, सेल्स कार्ड ऑलरेडी बने होंगे 50 के अंदर, कैश और बैंक बनेगा 45 के अंदर। हम यहाँ से वापस आए चार्ट ऑफ लेवल 2 के अंदर आए, व्यू किया तो उसी ग्रुपिंग के आगे सब ग्रुपिंग बनी हुई है। जैसे कि पेएबल था 31 पर, उसके आगे 01, लेकिन अकाउंट वही है पेएबल। 35 था रिसीवेबल, अब 01 से मुराद है टेरिटरी, तो ये पहली टेरिटरी आ गई इस्लामाबाद। अब 35 के अंदर ही हम 02, 03, 04 जितनी मर्जी यहाँ पर टेरिटरीज ऐड कर सकते हैं। उसके लिए जस्ट हमने यहाँ पर ऐड करना है चार्ट ऑफ लेवल 2 के अंदर 35 यानी कि रिसीवेबल, 02 यानी कि टेरिटरी कोड, और वहाँ पर हम जो भी टेरिटरी का नेम देंगे वो यहाँ पर दे के इंटर करवा के सेव करवा देंगे। तो उसी ग्रुपिंग के अंदर वो टेरिटरी यहाँ पर ऐड होती जाएगी। वो काड़ा यहाँ पर हमने ऐड कर दिया 35.02 के अंदर। सोन हमारे पास ये डिफरेंट सिटीज़ बनी हुई हैं, लाहौर है, आरिफाला है, इसके अलावा कैश और बैंक का है 4501 बन गया है यहाँ पे। एक्सपेंसेस भी हमारे पास यहाँ पर डिवाइड हो गए हैं, सेलिंग एक्सपेंस 5502 में आ गए हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस हमारे 5503 में आ गए हैं। अब इन्हीं ग्रुपिंग्स को देखते हुए मेन चार्ट ऑफ अकाउंट लेवल 3 के अंदर जाएंगे। यहाँ पर हमारे सारी पार्टीज और हमारे सप्लायर्स, हमारे बैंक, हर चीज़ यहाँ से बनेगी चार्ट ऑफ अकाउंट लेवल 3 से। ऐड करेंगे 31 से मुराद था पेएबल, 01 से मुराद था सेकंड लेवल की ग्रुपिंग, और 0001 से मुराद है पहली पार्टी। तो यहाँ पर हर कोड के अंदर यानी कि ग्रुपिंग के अंदर 999 तक हमारी पार्टीज बन सकती हैं। हमने यहाँ पर 1 की जब इंटर किया, इसने कहा कि आपके पास ऑलरेडी 10 तक यहाँ पर कंपनीज बनी हुई हैं, तो हम यहाँ पर कोई भी नई कंपनी ऐड करना चाहेंगे तो उसको 31010011 पर ऐड करेंगे। जहाँ से हम यहाँ पर इमरान फैक्ट्री इस तरह रख लेते हैं, या इमरान गारमेंट्स कुछ ऐसे नाम हमने रख दिया, ठीक हो गया, या इमरान सिंपल नेम सप्लायर का रख लेते हैं। इंटर किया, उसका एड्रेस, उसका NTN नंबर जो भी हमने देना है, मोबाइल नंबर देना है, वो सब यहाँ पर डिटेल देने के बाद इंटर किया तो यहाँ पर हम इस अकाउंट की टाइप बताएंगे, ये अकाउंट किस टाइप का है, पेएबल है, रिसीवेबल है, या बैंक का है, या क्या चीज़ है। तो यहाँ पर हमारे पास ये ग्रुपिंग है। अगर तो ये फर्स्ट कोड जो सा है ये पहली ग्रुपिंग में आ रहा है यानी कि 11 से 45 के दरमियान में, तो हम इसको यहाँ पर बताएंगे। अगर ये 50 से 55 के दरमियान में आता है तो यहाँ पर बताएंगे, और अगर ये बैंक में आता है तो नीचे वाले ग्रुपिंग में आएगा। क्योंकि ये फर्स्ट ग्रुपिंग में ही आ रहा है, हम ड्रॉप डाउन करेंगे, हम बताएंगे ये हमारा है पार्टी सप्लायर पेएबल, ठीक हो गया। इंटर किया, बाकी सब में से हम गुजर के आगे डेबिट क्रेडिट आ गया। ओपनिंग बैलेंस के लिए बैलेंस लेना है तो डेबिट, देना है तो क्रेडिट। तो यहाँ पर मैंने क्रेडिट में दे दिया जी 1,00,000 हमने इनका देना है। क्रेडिट डेज कस्टमर्स के लिए हम देते हैं, चेक नंबर, उसकी लिमिट और एक्सपायरी डेट हम कस्टमर के लिए देंगे। अभी हमने सप्लायर बनाया और उसको सेव कर दिया, इंटर किया। अब 35 हमारा रिसीवेबल था, 01 हमारा इस्लामाबाद रीजन था, 02 मैंने उकाड़ा बनाया था। उकाड़ा के अंदर मैंने 0001 किया तो उसने कहा जी ये न्यू रीजन है, तो इस रीजन के अंदर हम नई पार्टी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर वैसे को नेम दिया जमील गारमेंट्स, यानी कि जिनको हम चीज़ें देते हैं तो हम उनका नाम यहाँ पर सप्लायर का, से कस्टमर का रख देंगे। उसका एड्रेस, उसका फ़ोन नंबर, जो भी डिटेल हमने देनी है वो यहाँ पर देने के बाद इंटर किया। अब ये सप्लायर पेएबल नहीं है, लेकिन ये ग्रुपिंग पहली में ही आ रहा है क्योंकि 35 कोड है, तो हम यहाँ पर इसको बताएंगे ये हमारा डेबिटर पार्टी रिसीवेबल है। इंटर करेंगे, जो बैलेंस हमारा इससे लेने वाला होगा वो हम यहाँ पर डेबिट में देंगे, और कितने दिन का उधार करेंगे वो बताएंगे, चेक नंबर बताएंगे, उसके बाद लिमिट बताएंगे कितने की है, और उसके बाद उसकी एक्सपायरी डेट लाजमी बताएंगे कि हम इसको कब तक, इसका लाइसेंस है और कब तक हम इसको सही कर सकते हैं।
सेव कर दिया हमने। इसके बाद अगर ये था एक पेबल बनाया हमने, एक रिसीवेबल बनाया, इसी तरीके से सारे पेबल सारे रिसीवेबल बनेंगे। अगर हम कोई बैंक बनाते हैं तब भी हम यहीं पर बनाएंगे 4501000001 के ऊपर ऑलरेडी कैश बुक बनी होती है, यानी कि इसमें हमारा रोका रहता है डेली का कैश फ्लो। अब उसके अलावा दूसरा बैंक बनाने के लिए हम 4501000002 का एक कोड यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम बैंक का नेम दे देंगे, हमसे भी बैंक दे दिया हमने, उसके बाकी डिटेल आएगी। यहाँ पर हम इसकी ग्रुपिंग बताएंगे कि हम ये क्या बना रहे हैं, तो ये हमारा है बैंक, तो हम इसको यहाँ पर ग्रुपिंग में सिलेक्ट करेंगे कैश एट बैंक। इंटर किया। अब क्योंकि हम कैश या बैंक बना रहे हैं तो यहाँ पर कैश फ्लो देना लाजमी है, तो हमने यहाँ पर कैश फ्लो दिया और बैंक का जो भी इसके अंदर डेबिट पड़ा है वो डेबिट के अंदर बैलेंस डाल देंगे और इंटर करके हम उसको सेव कर देंगे। ये हमने सेव कर दिया। ये तीनों हेड जो हमने बनाए हैं, एक पार्टी पेएबल की बनाई है, एक रिसीवेबल की बनाई है और एक हमने बैंक बनाया है। इनको देखने के लिए हमने रिटर्न बैक किया। फाइनेंशियल रिपोर्ट में लेजर है, लेजर शॉप में भी देख सकते हैं, लेजर डिटेल में भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लेजर खोला, इंटर किया, मैंने इमरान नेम दिया, ये इमरान का लेजर हमारे सामने ओपन हो गया 1,00,000 क्रेडिट का। ऐसे ही मैंने दूसरे का लेजर देखना है तो इंटर किया। गारमेंट्स के नाम पे मैंने एक पार्टी बनाई थी, वो थी जमील गारमेंट्स, तो जमील गारमेंट्स का 2,00,000 डेबिट में है उससे लेने वाला, वो भी उसके लेजर में आ गया। ऐसे ही बैंक का लेजर देखना है तो तब भी हम यहाँ पर MCB बैंक सर्च करेंगे और इंटर करके हम उसका लेजर देख सकते हैं। तो हमने देखा कि जो भी अकाउंट बन रहा है उसका लेजर हमारे पास ऑटोमेटिकली यहाँ पर बन रहा है। उसके बाद हम आते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर, वापस हम आए, हमने देखा कि अब जो हमने बनाए हैं उनके कैश लेना है तो कैसे लेंगे, कैश देना है तो कैसे, बैंक के थ्रू पेमेंट लेन देन करना है तो कैसे, कैश लेना है तो रिसीव वाउचर, कैश पेमेंट करनी है तो कैश पेमेंट वाउचर, बैंक के थ्रू पेमेंट करनी है तो बैंक वाउचर। सबसे पहले हम करते हैं कैश रिसीव वाउचर, इंटर किया। यहाँ पर हमने पार्टी का नेम दिया जिससे हमने पैसे लेने हैं, कैश रिसीव करना है, तो हमने यहाँ पर नेम दिया कि हमने जमील हमारा एक है गारमेंट्स, उससे हमने कैश लेना है। जब हमने पार्टी नेम दिया तो बैलेंस सामने आ गया 2,00,000, हमने इससे 1,00,000 ले लिया, क्या लिया, कैश, एंटर किया, सेव कर दिया। ये कैश ऑटोमेटिकली फाइनेंशियल रिपोर्ट में जो हमारी कैश बुक बनी हुई थी उसके अंदर आ जाएगा। इंटर किया, ओपन किया तो कैश बुक में 1,00,000 हमारे पास ऐड हो गया। कहाँ से आया, जमील गारमेंट्स की तरफ से, और अब वो ऑटोमेटिकली जमील गारमेंट्स के लेजर में से भी निकल गया है, तो जमील का लेजर भी देखेंगे तो 2,00,000 लेना था, 1,00,000 ले लिया, 1,00,000 रह गया। इसी तरीके से जब हम किसी को कैश पेमेंट हम देंगे तो कैश पेमेंट वाउचर करेंगे, इंटर करेंगे, पार्टी का नेम बताएंगे, जैसे कि हमारा इमरान सप्लायर था, इमरान दिया, इंटर किया, इमरान को देना भी 1,00,000 ही है तो मैं इसको कैश, क्योंकि 1,00,000 पड़ा है, मैं इसको 50,000 कैश दे देता हूँ, इंटर किया और सेव कर दिया। तो ये ऑटोमेटिकली हमारे कैश बुक में से, यानी कि हमारे रोजनामचा में से 50,000 क्रेडिट हो गया, पीछे बच के हमारे पास 50,000 कैश में, और ये उसके लेजर के अंदर भी ऑटोमेटिकली यहाँ पर इमरान के डेबिट हो गया है और ये उसका सिर्फ 50,000 क्रेडिट कर गया है। उसके बाद जब हमने इसको बैंक के थ्रू पर पेमेंट देनी है तो हम जाएंगे बैंक वाउचर के अंदर, हमने इंटर किया, जिसको देने हैं वो डेबिट और जहाँ से देने हैं वो क्रेडिट। तो यहाँ पर मैंने डेबिट किया, मैंने कहा जी हमने देने हैं हमारे सप्लायर को इमरान को, और कहाँ से देने हैं, MCB से, ठीक है, MCB हमने बैंक दे दिया, बैंक का बैलेंस आ गया यहाँ पे और इमरान का भी बैलेंस इससे पहले आया था, तो हमने देखा हमने देने हैं सिर्फ 50,000 और ये हमने इसको ऑनलाइन करवाए हैं तो ऑनलाइन लिख देंगे, अगर हमने इसको बाय चेक दिए हैं तो बाय चेक लिख देंगे, रेफरेंस नंबर दे के इंटर करके सेव कर देंगे। तो ये जो एंट्री हुई है ये बैंक के थ्रू हुई है, क्योंकि क्रेडिट बैंक हुआ है, डेबिट पार्टी हुई है, तो अब आपकी कैश बुक पर इफेक्ट नहीं होगा। यहाँ पर हमने जब इंटर करके देखा तो कैश बुक में वैसे के वैसे ही 50,000 खड़े हुए हैं, लेकिन जब आपने लेजर खोला इमरान का तो इमरान के लेजर में 50,000 ऑनलाइन आ गए हैं और इमरान का लेजर हो गया है 0, और वो ऑनलाइन जहाँ से आए थे वो था बैंक, तो लेजर भी हम देखेंगे बैंक का, MCB बैंक, तो ये MCB बैंक में से 5,00,000 में से 50 निकल गया ऑनलाइन, 4,50,000 रिमेनिंग रह गया। इसके बाद हम आएंगे मास्टर के अंदर वापस,
हमारे जो भी एक्सपेंस भी बनेंगे वो भी चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर ही बनेंगे, 55 के अंदर बनेंगे। 5502 के हमारा था एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, उसके अंदर हमारे पास यहाँ पर डिस्काउंट ऑन सेल का कट बना हुआ है। इसके अलावा जो भी एक्सपेंस होगा वो 5502 के हम बना लेंगे। जैसे यहाँ पे मैं फूड एक्सपेंस कह देता हूँ, कोई भी एक्सपेंस है, इलेक्ट्रिसिटी है, फूड है, उसके लिए हम ग्रुपिंग सेंटर वाली यूज करेंगे क्योंकि ये ग्रुपिंग आ रहा है 50 से 55 में। इसको हम देंगे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस और इंटर करके इसको सेव कर देंगे, और इसकी एंट्री भी एक्सपेंसेस की भी रिकॉर्ड में कैश पेमेंट वोचर से ही करेंगे। उसके बाद मेन चीज़ पे आते हैं वापस मास्टर में। मास्टर में चार्ट ऑफ अकाउंट के बाद हमारे पास आता है कंपनी, कैटेगरी और आइटम, और लास्ट पे आता है स्टोर। सबसे पहले हमने कंपनी खोला, किस कंपनी की प्रोडक्ट है वो हम बना रहे हैं, हम वो यहाँ पर ऐड करके कंपनी ऐड करेंगे। जैसे फुल व्यू करने पे एक कंपनी हाईटेक के नाम पे ऐड है, अगर कोई नई कंपनी ऐड करनी है तो ऐड किया टू आ गया। यहाँ पर जैसे नून टेक्सटाइल लिखा हुआ तो हम यहाँ पर नून कंपनी का नेम दे देते हैं। एंटर किया, सेव करवा दिया। अब उसके बाद कैटेगरी, यानी कि उसके अंदर किस टाइप की चीज़ बनती है, यान की बन रही है, धागा बन रहा है, जो भी उसकी टाइप है वो यहाँ पर हम दे देंगे। अगर वही यान ही यूज़ कर रहे हैं तो हम उसको वैसे का वैसे बना रहने देंगे, और आइटम में आके नई आइटम बना देंगे। आइटम में यहाँ पर फुल व्यू किया, हमारे पास यहाँ पर हाईटेक कंपनी की यान कैटेगरी में ये तीन चार आइटम्स बनी हुई हैं, 10S, 12, 2, 14, 2, ये डिफरेंट उसके साइजेस होते हैं। तो ये उसके आगे बैग, उसकी फिलिंग और उसके रेट लिखे हुए हैं। कोई भी नई आइटम बनानी है ऐड करेंगे, कैटेगरी बताएंगे, यान इंटर जैसे मैं कहता हूँ साइज है 16:2 और इसका यूनिट है जी बैग है और फिलिंग 1 है, 3500 का हम ले रहे हैं और 100 रुपये हमारा इस पर कॉस्टिंग आती है, 3700 का हम सेल कर रहे हैं, और किस कंपनी का है, हाईटेक का है या नॉन का है वो बता देंगे, इंटर और इंटर सेव। ये आइटम भी हमारे पास 16:2 ऐड हो गई है। अब इस आइटम को हम सबसे पहले जहाँ पर रखना है उसके लिए स्टोर प्रोफाइल भी बनानी लाजमी है, क्योंकि मास्टर में हमने ये चीज़ें सब कंप्लीट कर ली हैं। अब स्टोर प्रोफाइल रह गया था, एक नंबर पे हमारे पास लाहौर में स्टॉक बना है, दूसरे पे फैसलाबाद में है, तीसरे पे कराची में है। मजीद कोई ऐड करना है तो हम ऐड कर सकते हैं, इन्हीं में से किसी को चेंज या डिलीट करना है तो वो भी कर सकते हैं। ये डिफरेंट हमारे पास सिटी वाइज स्टॉक बने हुए थे। अब यहाँ पर मैंने ऐड रिकॉर्ड खोला, ये तीन वाउचर्स हमने देख लिए थे, बैंक वाउचर की तरह ही जनरल वाउचर है, लॉन्ग ग्रिड वाउचर है, ग्रुप वाउचर है, उसके बाद परचेज इनवॉइस है, सेल इनवॉइस है और रिटर्न इनवॉइसेस हैं। ठीक है, सबसे पहले हम आते हैं परचेजिंग की तरफ। परचेज में आए, इंटर किया, सप्लायर कोड किससे खरीद रहे हैं, सप्लायर वही जो हमने बनाया है इमरान, हमने उसका नेम दिया, इंटर किया। अब ये डुप्लीकेट बिल कह रहा था कि ऑलरेडी बना हुआ है तो इसलिए मैंने बिल नंबर चेंज कर दिया, इंटर किया। यहाँ पर उसने आइटम पूछी कौन सी, मैंने कहा जी 16-2 यानी कि हमारी 16-2 वाली आइटम थी, ये ली है। कितनी ले रहे हैं, हमने कहा जी ये 200 रोल है या 200 बैग है और 3500 का हमारा एक बैग आता है, 7 लाख की वैल्यू बनी, इंटर। इस पे कितना ब्रोकरी डाल रहा है वो ब्रोकरी ऐड कर देंगे, और इस पे हमारा एबिलिटी एक्सपेंस क्या है वो एक्सपेंस वगैरह हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, उसके बाद विद होल्डिंग टैक्स कितना है वो ऐड कर देंगे, और कौन से स्टोर में इसको रखना है वो स्टोर बता देंगे। हमने कहा हम फैसलाबाद में रख रहे हैं, इंटर और सेव। इसी में मोर एंट्री करके हम मोर एंट्री भी कर सकते हैं, बिल के अंदर 2-3 आइटम्स को भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इमरान का ऑलरेडी पार्टी बैलेंस 0 था, लेकिन अब जब हमने 200 बैग इससे ख़रीदा है तो 7 लाख की जो इनवॉइस बनी है ऑटोमेटिकली इमरान के लेजर के अंदर क्रेडिट हो जाएगी, और ये 200 जो बैग है 16:2 का ये हमारे स्टॉक में ऐड हो जाएगा। इनवॉइस को अगर हमने एडिट करना है तो 12 नंबर इनवॉइस थी, यहीं पर हम एडिट इनवॉइस करके यहाँ पर एडिट करेंगे, 12 नंबर इनवॉइस देंगे और इस इनवॉइस को एडिट भी कर सकते हैं, इंटर करके यहाँ पर क्वांटिटी रेट कुछ भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर इसको इंटर करके और यहाँ पर बिल्टी वाला देख के अपना हेड और उसके बाद कैलकुलेटर सेव कर सकते हैं। इसी तरीके से अब हम वापस आए, हमने देखा फाइनेंशियल रिपोर्ट में लेजर, क्योंकि हमने इमरान से ख़रीदा है, इमरान का ही लेजर देखेंगे, तो 7,07,000 जो था हमारा उसकी तरफ हमारा यहाँ पर उसके ऐड हो गया हुआ है। ठीक हो गया, और ये था जो हमने उनको देना है, और उसके अगेंस्ट जो हमने चीज़ ली है वो हमारे स्टॉक में आ जाएगी, स्टॉक रिपोर्ट स्टॉक इन हैंड में आएगी। इंटर किया, यहाँ पर हमारे पास ये देखें हाईटेक कंपनी में ये यान 2 पे थे ये साइजेस,
और नॉन कंपनी में यान 62 जो 200 वह खरीदा है वो ये आ गया अलग से। अब इसी को हम सेल भी कर सकते हैं। परचेजिंग रिपोर्ट ऑलरेडी बन जाती है जब हम परचेज इनवॉइस करते हैं। डेली परचेज देख लें, सप्लाई वाइज देख लें, जैसे भी आप रिपोर्ट देखना चाहें आप यहाँ पर देखते हैं और इंटरक्ट ओके करके देख सकते हैं। ये सारी डिटेल आ रही है कि जो जो हमने आज के दिन में परचेजिंग की है, ये सबसे लास्ट पे 62,200 बैग 7 लाख का, और ये हमारे पास परचेजिंग में आ गया हुआ, ठीक हो गया। इसके बाद हमारे वापस एड रिकॉर्ड में सेल इनवॉइस में जाते हैं। सेल करने के लिए हम कस्टमर देंगे, जैसे हमने जमील गारमेंट्स बनाया हुआ था, जमील गारमेंट्स दिया, इंटर किया, हमने यहाँ पर इनवॉइस नंबर दिया, इंटर किया, फैसलाबाद हमारा स्टोर आ गया। हमने आइटम दी, कौन से आइटम सेल कर रहे हैं, कितने बैग सेल कर रहे हैं, हम वो बताएंगे, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर हमने कहा जी ये हमारा 100 बैग सेल हो रहा है, 3700 का इसका रेट है, इंटर किया, कितने परसेंट GST ऐड हो रही है वो ऐड करेंगे, इंटर और सेव। ये हमारी साइड से सेल हो गया, इसको हम प्रिंट भी कर सकते हैं यहीं पे, और ये हमने यहाँ पर इसका इनवॉइस का प्रिंट कर लिया। ये हमारी 24 नंबर इनवॉइस आ गई थी, हमने की थी 12 नंबर इनवॉइस, तो हम सेल के टाइम पे प्रिंट पे भी 12 नंबर इनवॉइस ही देंगे। तो ये हमारी क्योंकि ये इनवॉइस मेरे ख्याल से डुप्लीकेट हो रही थी, इस वजह से उसने उसको ओपन नहीं किया, तो हम रैंडम जो हमारी बनी हुई थी उसी को देख लेते हैं। तो इस तरीके से ये पार्टी का पूरा बिल बनाएगा और ये उसकी वैल्यूज आ जाएंगी यहाँ पे, ठीक हो गया। और इसी तरीके से हमारे पास सेल की रिपोर्ट बन जाती है, डेली सेल रिपोर्ट है। यहाँ पर हम डेट दे सकते हैं, हमने यहाँ पर डेट दी और इंटर किया, तो हमारे पास यहाँ पर ये पूरी रिपोर्ट बन के आ गई कि हमने किस किस पार्टी को क्या क्या सेल किया है। हमारा था इनवॉइस नंबर 15, तो ये जमील वाला था 15 नंबर इनवॉइस, और इसी को हम यहाँ पर सेल रिपोर्ट के अंदर प्रिंट के अंदर 15 नंबर इनवॉइस को देखते हैं। तो ये हमारे पास ये देखें जमील गारमेंट्स की भी आ गई, और ये हमने कितने बैग दिए हैं, किस रेट में दिए हैं, उस पर कितनी GST लगी है, सेल टैक्स कितना लगा है, पहले बैलेंस कितना था और अब कितना ऐड हो गया है टोटल, और अब करंट बैलेंस उस पार्टी का कितना खड़ा है, वो पूरी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद हमारे उस पार्टी के लेजर में भी ऑटोमेटिकली वही अमाउंट जो हमने यहाँ पर देखी थी वो जमील के लेजर में भी 5,32,900 ऐड हो गई हुई है ऑलरेडी। और सेल के अंदर रिपोर्ट्स हमारे पास काफ़ी ज़्यादा है, पार्टी वाइज है, यहाँ पर मंथ वाइज है, इसके अंदर भी मज़ीद हमारे पास कस्टमर वाइज आइटम वाइज रिपोर्ट्स लगी हुई हैं। सेल के अंदर भी हमारे पास यहाँ पर डेट वाइज लगी हुई है, इनवॉइस वाइज लगी हुई हैं। जिस तरीके से भी हम रिपोर्ट देखना चाहें हम रिपोर्ट्स देख सकते हैं। उसके बाद GST की रिपोर्ट्स लगी हैं, इनपुट की, आउटपुट की, हम जो भी देखना चाहते हैं रिपोर्ट, हम उस रिपोर्ट को यहाँ पर डेट देंगे और उसकी रिपोर्ट देख सकते हैं। हमारे पास जो जो सेल जारी होंगी वो सारी यहाँ पर शो हो जाएंगी। ये हमने लास्ट सेल की है, इनवॉइस नंबर ये था, पार्टी ये थी, इतनी क्वान्टिटी थी, उस पर इतना GST था, ये टोटल उसकी वैल्यू बनती थी। सेल करने के बाद हमने ये चीज़ देखनी थी कि हमारे पास स्टॉक कितना रह गया है, तो यहाँ पर स्टॉक रिपोर्ट, स्टॉक इन हैंड खोला, तो ये हमने जब रिपोर्ट खोली तो 62 यान जो हमारे पास 200 था वो उसमें से 100 हम क्योंकि सेल कर चुके हैं, तो रिमेनिंग हमारे पास ये 100 क्वांटिटी बढ़ी हुई है। तो ये हमारी सारी डिटेल आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास रिटर्न आ जाती हैं, परचेजिंग की रिटर्न हो सकती हैं, सेम उसी तरीके से जैसे हमने परचेज की थी वैसे उसकी रिटर्न होगी ऑटोमेटिकली, स्टॉक से भी रिवर्स हो जाएगा, पार्टी के लेजर से भी, ऐसे ही सेल की रिटर्न है। स्टॉक ट्रांसफ़र है, हम एक स्टोर से दूसरे स्टोर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं चीज़ें, यानी कि फ्रॉम कराची टू लाहौर जहाँ पे भी हमने उसको ट्रांसफ़र करना है, हम आइटम बताएंगे, उसकी क्वांटिटी बताएंगे और स्टोर बता के सेव कर देंगे। और उसके अलावा व्हाट्सएप टू व्हाट्सएप मैसेजेस हैं यहाँ पर हमारे पास, हम जो भी हमारी सेल होंगी, रिकवरीज होंगी, सेल्स होंगी, उन ग्रीटिंग मैसेजेस होंगे, सबको एक क्लिक के ऊपर यहाँ से व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज जा सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर यूटिलिटी के अंदर यूज़र राइट्स हैं, उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर बैकअप का ऑप्शन है, और इसके अलावा हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस की डिटेल्स हैं पूरी यहाँ के, हमारे पास हर तरह की रिपोर्ट लगी हुई है। मज़ीद इसके अलावा क्वेश्चन हो तो आप दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।